प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और भजनलाल सरकार की इस मंत्रिमंडल के अंदर 22 विधायकों को मंत्री बनाया गया है जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन इन मंत्रियों के अंदर एक नाम सबसे चौंकाने वाला था और वो नाम था उदयपुर के झाड़ौल से आने वाले बाबूलाल खराड़ी का। दरअसल बाबूलाल खराड़ी एक बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं और जब राजभवन में बाबूलाल खराड़ी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उनके घर वाले आम दिनों की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि बाबूलाल खराड़ी मंत्री बना दिए गए हैं तो वहाँ पर जो बधाई देने वाले थे वो तक वहाँ पर मौजूद नहीं थे, यानी बधाई देने वाले का वहाँ पर तांता उनके घर पर नहीं लगा हुआ था। और जब भी उनके घर पर उनके परिजनों से बात की तो शायद वो भी खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। शायद मंत्री पद क्या होता है उनको ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन जब उनके परिजनों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस तरह का जो काम है उसी के चलते शायद उनको मंत्री बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे जो थे वहाँ पर बाबूलाल खराड़ी को लेकर नारे वहाँ पर लगा रहे थे, लेकिन उनके क्षेत्र से ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था जो उनको बधाई देने उनके घर पे पहुंचा हो। एक साधारण से परिवार से आने वाले बाबूलाल खराड़ी को बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री पद पर विराजमान किया गया है और उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा मंत्री बनने के बाद, चलिए आपको सुनाते हैं। जी चाहते रवस्ते मन भी हरू करी हूं है हरी जिनते अपने हरू ते नवस्ते सितारियों है देन और धन्यवाद। था लगूंगा मैं लोगों ने सेवा की थी तो हमारा कासा मकम मारा जाए बहुत अच्छा लगा है। मैं लोगों ने सेवा कर रहा हूँ, मैं जयपुर जिया है तो लोगों सेवा कर रहे हैं। आपने सुना कि बाबूलाल खराड़ी के जो परिजन थे उन्होंने किस तरह से अपनी जो लैंग्वेज थी, जो स्थानीय भाषा थी, उसके अंदर मंत्री बनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, सबको लेकर उन्होंने बताया। लेकिन जिस तरह से एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले बाबूलाल खराड़ी को विधानसभा का टिकट दिया जाता है और जब वो वहाँ से जीत कर आते हैं तो उनको मंत्री बनाया जाता है, इसे लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार राजनीति के अंदर चल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द नगरी न्यूज़।